भारत सरकार के मंत्री और हमेशा विवादित बयान देने में सबसे आगे रहने वाले गिरिराज सिंह ने फिर एक बार विवादित बयान देकर विपक्ष को हमला करने पर मजबूर कर दिया। गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ में एक पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नाथूराम गोडसे भारत के सपूत थे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी और वो भारत में जन्म लिए थे। नाथूराम गोडसे औरंगजेब और बाबर के तरह आक्रमणकारी नहीं थे। और इस बयान के आ जाने के बाद बिहार जदयू ने हमला करना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे के बारे में पूर्व में भी गिरिराज सिंह ने कहा था और उन्होंने यह बयान महाराष्ट्र में औरंगजेब पर मचे बवाल और असदुद्दीन ओवैसी के गोडसे पर दिए बयान को लेकर दिया है। गिरिराज सिंह पहले भी इस तरह की विवादित बयान दे चुके हैं। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी गोली मारकर, यह भारत के लोग जानते हैं। और अब नाथूराम गोडसे की बार बार नाम लेने से गिरिराज सिंह विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं और छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने इस तरह की बात कही। इस बात के कहे जाने के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह की भाषा उनकी मानसिकता को दर्शाता है। गोडसे की तरफदारी कर उन्होंने देश के भावनाओं को आहत किया है। बिना विलंब किए देशवासियों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उधर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि गोडसे को मानने वाले भाजपा के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये लोग भारत के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ कर देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। देश में बोलने की आजादी छीनी जा रही है, इस तरह की बातें करना अशोभनीय है। साथ ही साथ राजद सांसद मनोज झा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रतिक्रिया दी और उन पर नफरत की फसल उगाने का आरोप लगाया। शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज झा ने गिरिराज सिंह को लेकर कहा कि इससे वे अपनी राजनीतिक ग्राफ में बढ़ोतरी की सोच रहे हैं, तो यकीन रखिए यहाँ से आपकी राजनीति की खात्मे की शुरुआत होगी। बिहार में नाथूराम गोडसे के पक्षधर रहने वाले बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जदयू और राजद ने हमला किया है और कहा है कि यह देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह की बातें करके गिरिराज सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें अविलंब देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और वो इस तरह के बयान देने से परहेज करें। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।